हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो अध्याय 4 सारणिक में हम लोग बेसिक चीज पूरा खत्म कर दिए हैं। आज मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको। तो बेसिक चीज में आपको मैं क्या क्या पढ़ाया, बेसिक चीज में ये मैं आप लोग को पूरा चीज बता दिया। अब ये लास्ट इसकी बारी है अभ्यास प्रश्न की। अब मैं बताया था इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, मतलब 6 नंबर का हिसाब किताब है। और 6 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन मैं अब डायरेक्ट इसी में ही कराऊंगा। डायरेक्ट 10 क्वेश्चन लूंगा आपको, मैं 10 क्वेश्चन लूंगा। 10 क्वेश्चन में 2 नंबर के भी क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन पूरा मिक्स रहेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के साथ। पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो ये क्या बोला है, ये तो अपन कर लिए हैं। और जो भी बच्चे डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे ना, ये आप पहले ना बेसिक का वीडियो देखिए, जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन छू नहीं पाओगे। अब देखो ये किस क्या करना है, इसमें सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सारणिक का मान कुछ, सारणिक ऐसे कुछ नहीं दिया है कि ए या बी या कुछ भी, तो हम ए ले लेंगे, बाय डिफॉल्ट ए ले लेंगे। तो हम लोगों क्या है, ए क्या दिया है, ए दिया है 2, 20, 1 और 6। कितने बाई कितने का है, ये 2 बाई 2 का है सर, ये ना 2 बाई 2 का है। देखो 2 बाई 2, साथ ही साथ रिवाइज भी कराते जा रहा हूँ। ये आपको ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, ये 2 बाई 2 का है, ये 2 पंक्ति हो गया और ये 2 स्तंभ, ये देखो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो ये 2 बाई 2 का है। ये पहले ही बता दिया मैं, 2 बाई 2 का क्या है, ये 2 बाई 2 का एक सारणिक है। तो सारणिक का मान कैसे निकालते हैं 2 बाई 2 में, सर क्या करते हैं बताऊं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो सर 2 गुणा 6 हो जाएगा। अब इसमें पूरा करना, क्योंकि ये 2 नंबर का अगर आएगा तो पूरा स्टेप करना, ताकि हम लोग को क्या मिले, नंबर मिले। डायरेक्ट मत कर देना 2 छक्के 12, लिख देना 2 गुणा 6, फिर माइनस, फिर इसका गुणा 20 का गुणा 1 से, तो 20 गुणा 1 लिख देना, 20 गुणा 1। अब क्या आता है इसको प्यार से बता देना, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो 6 दूनी क्या होता है 12, माइनस 20 से कम 20 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है कलाकारी, 12 माइनस 20, मतलब 20 में से 12 गया 8 आएगा, और जोड़ घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कर देंगे और इसको प्यार से लिख देंगे। ये है ANSWER आंसर। हिंदी में अगर आप लोग ऐसे करके उत्तर भी लिख दोगे तो कुछ नहीं होगा, आंसर लिखोगे तो कोई भारी फर्क नहीं पड़ता है ना, इतना लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये आया मैं बोला, तो क्लियर है क्या सबको, तो ये 2 नंबर आपको मिल गए। बताओ ये ऐसे ना चेकर आएगा लाल कलर का पेन लेगा, ऐसे लाल कलर का पेन लेगा, बोलेगा वाव वाव, और 2 अंक दे देगा, 2 अंक ऐसे करके दे देगा। तो ये पाना है ना, अगर ये पाना है तो ये करना भी पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो ये क्या है, अब इसमें भी सारणी का मान ज्ञात करना है, सारणी का मान ज्ञात करना है, मैं लिखा हल। अब मैं क्या लेता हूँ इसको ना, सारणिक बी ले लेता हूँ, तो ठीक है ना, इसको बी ले लिया, मेरी मर्जी ना, नहीं दिया तो मैं कुछ भी लूँ। इससे पहले वाले में मैं इसको ए ले लिया था, अब इसको बी ले लेता हूँ, नहीं दिया तो ये क्या दिया हुआ है, 2+3i, ओके, फिर 4, 1, 2 माइनस 3i। अब देखो अब ये i आ गया, अरे बाप रे i आ गया क्या, अरे भाई i जब आता है ना, ये i क्या होता है, वास्तविक, सॉरी काल्पनिक नंबर होता है, एक काल्पनिक नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ये काल्पनिक नंबर होता है, ये काल्पनिक, लिख लो भाई काल्पनिक संख्या है आई, और ना जिसमें आई नहीं होता वो क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या, इसको आर से शो करते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो जहां पे भी आप लोगों को आई दिखता है वो क्या है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल ना सर, सिंपल क्या करेंगे सर, देखो इसका गुणा ना सर इसके साथ करेंगे, इसका गुणा सर इसके साथ करेंगे, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, और 20 में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं, क्या आया, 2+3i ((2), इसके साथ 2 माइनस 3i, ये हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, अब 4 गुणा 1, ये हो गया 4 गुणा 1। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम है, क्या a² - b² का, तो ये होता है मेरे ख्याल से a+b ((a-b)। ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, देखो a+b ((a-b)
दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए है टू, तो ये टू का स्क्वायर माइनस बी क्या है थ्री आई, तो ये हो गया थ्री आई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर माइनस क्या है चार एकम चार होता है। बस ध्यान से देखते जाना, बस ध्यान से देखते जाना। अब इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसके आगे मैं सॉल्व किया, तो ये क्या होगा दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, दो का स्क्वायर चार हो गया। एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। ये लीजिए दो का स्क्वायर हो गया चार, माइनस ये तीन का स्क्वायर और आई का स्क्वायर है, तो तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा नौ, और ये आई का स्क्वायर और ये माइनस फोर। बस ध्यान से देखते रहना, आ गया, आ गया ये बी, ये बी ठीक है, ये हो गया फोर। यहां पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, ये याद रखना। आई स्क्वायर का आयोटा फंक्शन पढ़े हो, आयोटा फंक्शन। तो यहां पे मैं फोर लिखा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा नौ गुणा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो नौ गुणा माइनस वन माइनस नाइन हो जाएगा, ये माइनस नाइन और ये क्या है माइनस फोर, ये माइनस फोर। तो ध्यान से देखना आंसर आ गया मेरा, ये देखो ये फोर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नाइन माइनस फोर, प्लस फोर और माइनस फोर अगर कट गया तो क्या आ गया सारणिक भी, मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया है नौ। ये मेरा ए एन एस, ये आंसर आप लोग को डिटेल में बताया। अब ये आप लोग को तो लिखने की जरूरत नहीं थी ना, ये मैं आप लोग को बताया, पढ़ा ही रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ाऊँ। अब ये तो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, किसमें एग्जाम में अभी कॉपी में लिखना कि आई क्या है भाई, आई इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और जिसमें आई नहीं रहता वो रियल नंबर होता है, ठीक है, ये अपन लोग पढ़े क्या है ना, ठीक है, वास्तविक प्लस काल्पनिक होता है, ठीक, यहाँ तक कोई क्लियर है क्या बताओ, है ना, तो ये सब ठीक है। तो ये मैं करवा दिया, ये मैं करवाया, अब ये वाला देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न तीन दिया है, ये सारणी बराबर 16 हो तो x का मान बताना है, ये सारणी बराबर 16 हो तो x का मान बताना है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सीख क्या है ना, तीन माइनस दो माइनस चार एक्स बराबर 16, ओके। अब चलो ना, इसमें दो बाई दो का, दो बाई दो है ना ये, अरे दो बाई दो तो है, तो इसका गुणा इससे कर देते हैं, दो बाई दो का तो सारणिक है, इसका गुणा इससे कर दो, क्या फर्क पड़ता है, तीन का गुणा एक्स के साथ करूँगा तो क्या आएगा, थ्री इंटू एक्स माइनस माइनस, और ये क्या है माइनस माइनस दो का गुणा माइनस चार से बराबर क्या है 16, ठीक है, ये हो गया थ्री एक्स माइनस। अब ये देखो माइनस और माइनस प्लस होते हैं गुणे में, माइनस और माइनस क्या है, माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस दो गुणा माइनस चार क्या हो जाएगा धन आठ हो जाएगा, धन आठ, धन आठ कैसे, चार दुनिया आठ, माइनस और माइनस प्लस बराबर क्या है 16। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये थ्री एक्स माइनस एट को उधर ले जा रहा हूँ, माइनस एट को उधर ले जाऊँगा तो प्लस एट हो जाएगा, तो 16 प्लस एट क्या होता है, 16 प्लस एट, 16 प्लस एट असंभव, इसको तो जोड़ ही नहीं पाएंगे लग रहा है, मेरे ख्याल से तो 24 आ गया, आपके ख्याल से क्या आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी तीन गुणा में, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा 24/3, तो ये कटेगा क्या, हाँ सर कटेगा, बताऊँ कैसे, तीन एकम तीन, तीन सत्य 24, नहीं तीन छक्के 18, तीन सत्य 21, तीन अट्ठे 24, ये तीन अट्ठे 24, तो ये आ गया x का मान, ये आ गया x का मान, ये आ गया x का मान। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया, क्या था इसमें, अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, अब याद है मैं आप लोगों को संक्रिया पढ़ाया हूँ, पढ़ाया हूँ कि नहीं बताओ, संक्रिया पढ़ाया हूँ, उसमें संक्रिया लगाएंगे, अब इसमें हम लोग संक्रिया लगाने वाले, मैं किया हल, संक्रिया लगा के सॉल्व करूंगा। देखो कोई नॉर्मल बच्चे क्या होंगे, कोई नॉर्मल जो होगा वो क्या करेगा, इसको टारगेट कर देगा, इसको टारगेट करेगा, कोई नॉर्मल होगा फिर इसको टारगेट करेगा, इसके सामने वाला नहीं लिखेगा फिर इसको नहीं लिखेगा, फिर इसको टारगेट करेगा, इसके सामने वाला नहीं लिखेगा फिर इसको नहीं लिखेगा, अरे भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखते रहना क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से बस देखते रहना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं बोलूं तो ये पहला दूसरा और ये तीसरा क्या है, रो है। अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम क्या है बताओ, कॉलम कुछ दिख रहा है क्या आप लोग को, कॉलम, हाँ सर ये पहला कॉलम, सर ये दूसरा कॉलम टाइप से तो लग रहा है,
और ये ना सर तीसरा कॉलम टाइप से लग रहा है, ये लो ठीक, ये ऐसा कर दो, ठीक है ये हो गया। ऐसा करके मैं पूरा बताया कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो ठीक है, अब ध्यान से इसको लिख रहा हूँ, बस ध्यान से बस देखते जाना है ना आप लोग को, ठीक। तो क्या दिया हुआ है, इसको सारणी ए मान लेता हूँ मैं, तो ये दिया हुआ है 1 1 1, वाओ, 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और ये 1। उसके बाद ये दिया है 1 1 1 प्लस वाई, ये सारणी दिया हुआ है। आप लोग डायरेक्ट मत करना, संक्रिया लगाना, और संक्रिया में बता चुका हूँ, जीरो लाने की कोशिश करो, जीरो लाने की कोशिश करो। देखो R1 है ना, ये R1 है, ये R1, R2, R3, क्लियर है, C1, C2, C3, क्लियर है क्या, ये दिख रहा है कि नहीं आपको लोगों को, मैं विजुअलाइज करवा रहा हूँ, रटाना नहीं चाह रहा हूँ मैं। ये R1 है, ये R1, ये R2, ये R3, इसी में भी फोकस करते जाना, ठीक है, इसी में फोकस करते जाना, ये R1, R2, R3। मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, संक्रिया लगा रहा हूँ, क्या हो कर रहा हूँ मैं, R1 में, ये R1 में मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, R1 में मैं क्या कर रहा हूँ, R1, R1 माइनस, R1 माइनस R3 कर रहा हूँ, R1 में मैं छेड़छाड़ किया। अब R2 में भी मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा अभी, R2 में भी मैं छेड़छाड़ किया, R2 माइनस R3। तो जिसमें छेड़छाड़ करता हूँ ना, जिसमें छेड़छाड़ करता हूँ वही बस बदलता है। तो अभी किसमें मैं छेड़छाड़ किया, मैं R1 में छेड़छाड़ किया और R2 में किया, तो बस यही दोनों बस बदलेगा और कुछ नहीं। चलो तो R1 बदलेगा अभी देखना यहाँ पे, चलो ए बार लगा, ठीक है ऐसा करो या ये करो कोई दिक्कत नहीं, R1 चेंज करूंगा, R1 में संक्रिया लगाया, R1 माइनस R3, मतलब इस R1 के अवयव में से, इस R1 के सब अवयव में से R3 का सभी अवयव को माइनस करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस ये R3, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, R1 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब ये क्या है, R1 माइनस R3, तो ये क्या होगा बताऊं, ये R1, R1 है देखो, तो ये 1 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस y। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, ब्रैकेट ओपन करूं, तो 1, ये जो माइनस अंदर जाता है ना, तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस y, ठीक है, माइनस अंदर गया, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, माइनस y, क्या आया, माइनस y, तो यहाँ पे मैं माइनस y लिख देता हूँ, ये माइनस y, क्लियर है क्या। अब R2 में भी मैं छेड़छाड़ किया, R2 में क्या किया मैं, R2 माइनस R3, तो चलो ये R2, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होता है 0, ये क्या है, R2, ये माइनस R3, तो क्या होगा, ये R2 माइनस R3, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा, माइनस x, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, माइनस x, यहाँ पे लिख दिया माइनस x, ये R2 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा, R2 ये हो गया माइनस R3, R3। अब माइनस को अंदर करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस वाई, ठीक है, माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर दिया, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा, माइनस y बचा। ये आप लोग रफ में करेंगे ना, ये रफ का काम है आपका, ये आपका रफ का काम है, और साइड में करेंगे आप लोग, साइड में करेंगे, तो कितना बचा, माइनस y, तो ये मैं माइनस y लिख दिया। अब R3 से तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं किया ना, R3 से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो R3 वैसे ही रहेगा, 1 1 1 1 प्लस y, ये। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब ओपन कर देता हूँ, और टारगेट में किसको करता हूँ, इसको करता हूँ, यहाँ से मैं खोल देता हूँ, यहाँ से मैं खोलता हूँ। एक चीज़ सारणिक में हमेशा याद रखना, एक चीज़ सारणिक में याद रखना, देखो क्या होता है सारणिक में, एक चीज़ याद रखना है, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो बर्फ़ी का शेप का दिख रहा है ना, अभी सब बता रहा हूँ, ये जो बर्फ़ी का शेप का जो दिख रहा है, ये देखो, ये बर्फ़ी, क्या बर्फ़ी मैं बता रहा हूँ अभी, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये माइनस रहता है, ये कैसे आता है उसका भी रीज़न है, अभी वो रीज़न नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी तो हम लोग को जल्दी जल्दी करना है ना। तो ये जो बर्फ़ी का जो शेप है ना अपना, वो बस माइनस रहता है, बाकी सब प्लस रहता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, एक बार क्लियर करो, तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब मैं, ध्यान से देखो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, तो ये जो बर्फ़ी का जो शेप है ना, यही बस क्या होता है ना, माइनस होता है, ये वाला बस माइनस लेते हैं, बाकी को धन के चिन्ह के साथ लेते हैं। तो मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं अभी किसको ले रहा हूँ,
जीरो को ले रहा हूं, जीरो को ले रहा हूं, ऐसे करके मैं खोल रहा हूं ना, तो अभी मैं जीरो को ले रहा हूं, तो सबसे पहले इसको ले रहा हूं ना, तो ये क्या रहता है, यहां पे वाला धन रहता है, तो यहां पे धन लिख दो और जो भी अवयव है उसको उठा के लिख दो, जो भी अवयव है उसको उठा के लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके सामने वाले पंक्ति, सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखेंगे, तो क्या जाएगा माइनस एक्स, और ये यहां पे लिखो माइनस एक्स, माइनस एक्स, ये माइनस वाई, माइनस वाई, एक एक प्लस वाई, ये हो गया, इसका काम हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई, एक एक प्लस वाई। अब किसको ले रहा हूं, अब इसको टारगेट कर रहा हूं, मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, पहले मैं तो सी वन को टारगेट कर रहा हूं, तो सी वन के सभी अवयव को करूंगा, पहला अवयव को कर लिया, अब ये वाले अवयव को कर रहा हूं, ये वाला अवयव जब भी लेता हूं ना, तो देखो माइनस रहता है, ये माइनस रहता है, तो माइनस का चिन्ह डाल दो यहाँ पे, ये माइनस। अब जो भी अवयव है उसको उठा के चुपचाप लिख दो, उसको उठा के चुपचाप लिख दिया, जो यहाँ पे इसका पंक्ति है और ये स्तंभ को नहीं लिखूंगा सामने वाला, तो क्या बचा, जीरो माइनस वाई, जीरो माइनस वाई, जीरो माइनस वाई, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, वन वन प्लस वाई, वन वन प्लस वाई, बोलो यही, ये आप लोग एक लाइन में लिखना ना, अब यहाँ पे तो मेरा जगह नहीं है ना, जगह होता तो लिखता नहीं है, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, तो क्या बचा, ये और ये नहीं लिखूंगा, तो जीरो माइनस वाई, वन वन प्लस वाई, अब ये वाले को लूंगा वन, तो यहाँ पर वाला साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो चुपचाप प्लस लिख देना, चुपचाप प्लस लिख देना, और यहाँ का जो भी अवयव है ना उसको उठा के लिख देना, उसको उठा के लिख दिया, ये उसको उठा के लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सामने वाली पंक्ति, सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखूंगा, जीरो माइनस वाई, जीरो माइनस वाई, ये जीरो माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, ध्यान से देखते रहना आंसर आ गया, ध्यान से बस देखते रहना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मॉड ऑफ ए, मॉड सारणी के, ठीक है। अब देखो जीरो का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, यहाँ कुछ भी आया इसको सॉल्व करते मत बैठना, इसको सॉल्व करते मत बैठना, यहाँ पे मान लो कुछ भी आया, कुछ भी आया उसका गुणा तो जीरो से ही करूंगा, तो जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, ये माइनस, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए उसका गुणा लास्ट में जीरो ही से तो करूंगा, तो किसी से का भी गुणा जीरो से करता हूँ तो जीरो ही आता है, तो फिर प्लस। अब यहाँ पे गुणा करेंगे भाई, यहाँ पे गुणा करेंगे, जीरो का गुणा माइनस वाई से तो जीरो आ जाएगा, फिर माइनस 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 वाई का गुणा माइनस एक्स से, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स हो जाएगा, वाई इंटू एक्स, ये माइनस तो साइन का है, जीरो इंटू माइनस वाई जीरो, उसके बाद माइनस का साइन डालते हैं, फिर माइनस वाई का गुणा माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई इंटू एक्स मिलेगा, तो क्या आया मेरा, क्या आया भाई, ये जीरो जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये माइनस वाई एक्स, तो ये क्या जाएगा फाइनल, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, माइनस एक्स इंटू वाई, ये हो गया मेरा आंसर। तो आप लोग देख रहे हो क्या संक्रिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पूछू ना इस पूरे क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि आप लोग संक्रिया लगाना जान रहे हो कि नहीं, और ये आप लोग को मैं बताया, इसको नोट करके लिख लेना, आप लोग नोट करके लिख लेना भाई, यहाँ पे नोट करके लिखना आप लोग, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सर, क्लियर है सर, ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच, अब क्वेश्चन नंबर पाँच भी कैसा है क्वेश्चन नंबर चार की तरह, तो इसको हल करते हैं, हल करते हैं। अब इसको मैं क्या ले लेता हूँ, सारणी ए ले लिया, सारणी ए में दिया क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक एक एक, ओके सर, वन वन प्लस एक्स, वन, ओके सर, माइनस वन, वन वन प्लस वाई, वन प्लस वाई। अब संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाना, कुछ दिख रहा है क्या, जीरो होते, संक्रिया लगाने का मतलब हम क्यों यूज करते हैं संक्रिया ना, या तो संख्या को छोटा करने के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लो अगर 25 50 ऐसे दिया रहता है तो कुछ घटा के हम संख्या को कम कर देते हैं, या तो क्यों करते हैं, जीरो लाने के लिए करते हैं, ताकि जीरो आ जाए ना तो ये कैलकुलेशन बच जाता है। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना नहीं पड़ा मेरे को, सॉल्व करना नहीं पड़ा, अगर एग्जाम में आप सॉल्व करके दिखाओगे तो अच्छी बात है, आप करके दिखाइएगा, करके दिखा सकते हो, लास्ट में तो जीरो आएगा मेरे को मालूम है, तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, तो जीरो लाने की कोशिश करो इसमें, देखो कुछ करके जीरो ला सकते हो क्या, हाँ सर करके जीरो ला सकते हो, बताऊँ अगर मैं, ये आर वन है, इसको ध्यान से देखना ना, इसको ध्यान से देखना, मैं बार बार आप लोगों को ना विजुअलाइज करा रहा हूँ, रटाना नहीं है मेरे को, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, आप ना संक्रिया सी वन सी टू सी थ्री में भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो जिससे आपको फायदा करे, इसमें भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं आर वन में आर थ्री को घटा दिया तो अच्छा ही तो होगा, नहीं, R1 में मैं क्या करता हूँ, R2 को घटा देता हूँ। देखो अगर R1 में मैं R3 को घटाया ना तो 1 माइनस माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये देखो
वन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस वन, तो ये आ जाएगा टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। वन में वन जाएगा तो यहाँ पे तो जीरो आ गया, और यहाँ पे देखो इसमें अगर इसको घटाऊंगा तो मिलेगा वन माइनस वन प्लस वाई, वन माइनस वाई, तो ये कट जाएगा तो माइनस वाई मिलेगा। कोई मतलब एक ही टर्म जीरो आ रहा है, एक ही टर्म जीरो आ रहा है। मैं देखता हूँ और कुछ ज्यादा टर्म जीरो आ सकता है क्या, बताऊँ कैसे आ सकता है। जब मैं आर वन माइनस आर टू करूँ, क्या आर वन माइनस आर टू करूँ, देखो वन माइनस वन जीरो मिल जाएगा, वन माइनस वन जीरो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया, मैं आर वन से छेड़छाड़ नहीं किया, मैं आर वन माइनस आर टू कर दिया। अब आर टू को भी कुछ करूँ क्या, आर टू को क्या करूँ, आर टू को अब आर टू तो कुछ दिख रहा नहीं है, इसको इसके साथ घटा देता हूँ, इसको इसके साथ घटा देता हूँ, कुछ तो भी होगा। तो आर टू को आर थ्री के साथ चलो घटा देते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। आर टू को आर थ्री के साथ में घटा दिया, तो चलो अब संक्रिया लगाएंगे। किस में छेड़खानी किया, मैं किस में छेड़खानी किया बताओ। सर आप ना आर वन में करे हो और ना सर आप आर टू में करे हो, मतलब आर वन और आर टू ही चेंज होगा बॉस, फिर नहीं होगा। तो चलो करते हैं, आर वन माइनस आर टू, तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, फिर वन माइनस इतना, वन माइनस इतना, वन माइनस इतना, ये रफ वर्क का काम है ना, माइनस अंदर जाएगा ये और ये कट गया तो आया माइनस एक्स, बॉस ये आ गया माइनस एक्स। अब वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये हो गया भाई जीरो। अब आर टू में भी छेड़छाड़ किया हूं मैं, आर टू माइनस आर थ्री, चलो आर टू माइनस आर थ्री, तो ये आर टू होगा, आर टू माइनस ये है आर थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया टू, तो ये आ गया टू, ओके ये आ गया टू। वन प्लस एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन, तो ये और ये कैंसल, तो यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे एक्स आया। वन माइनस इतना, वन माइनस वन प्लस वाई, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज कर देगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस वाई, तो यहाँ पे आ गया माइनस वाई। ये आप लोग का रफ वर्क है, ये आप लोग का सब रफ वर्क है, और पेज के साइड में करेंगे आप, राइट साइड में। तो मैं तो आर थ्री से छेड़छाड़ तो किया ही नहीं ना, आर वन और आर टू से किया, तो आर थ्री को ऐसे ही लिख दो यार, ये हो जाएगा माइनस वन, ये वन और वन प्लस वाई। अब ना संक्रिया लगाओ, जिसमें ज्यादा जीरो है ना वहां से लगाओ, ज्यादा जीरो देखो किसमें, ज्यादा जीरो देखो इसके पास है, दो जीरो है ना, यहीं से लगा देता हूँ, यहीं से लगा देता हूँ। अब आपको बर्फी आप लोगों में बताया था, बर्फी आप लोगों को बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना, ये वाला बस क्या होता है, जब लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ जीरो को, तो सबसे पहले प्लस लगा दो और जो अवयव को टारगेट कर रहे हो उसको लिख दो। अब क्या बचा है यहाँ पे, इसकी पंक्ति, सामने वाली पंक्ति, सामने वाले स्तंभ को नहीं लूंगा, तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई वन वन प्लस वाई, क्लियर। अब देखो इसको ले रहा हूँ, ध्यान से देखना ना, इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगता है माइनस, ये मैं माइनस लगा दिया। अब जिस अवयव को टारगेट कर रहे हो ना उसको लिख दो, किस अवयव को टारगेट कर रहा हूँ मैं, माइनस एक्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स। अब इसके सामने वाली स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, तो क्या बचेगा, ये टू माइनस वाई, टू माइनस वाई, माइनस वन वन प्लस वाई, माइनस वन वन प्लस वाई, ये और ये टू माइनस वाई माइनस वन वन प्लस वाई। अब ये वाले को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं प्लस, तो ये प्लस लगाया मैं, प्लस लगाया। अब ये जो अवयव है उसको लिख दो जीरो, ये मैं जीरो लिख दिया। अब ये और ये नहीं लिखूंगा, अब स्तंभ इसके सामने वाला पंक्ति को नहीं लिखूंगा, तो टू एक्स क्या क्या बचा देखो, टू एक्स, टू एक्स माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, ठीक है, जगह की कमी के कारण ऐसे दिक्कत हो गया। तो अब देखो क्या आएगा सारणी, ए क्या आएगा, ये तो जीरो का गुणा इससे होगा तो जीरो ही आएगा, ये जीरो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। सारणी क्या है, दो का गुणा इससे करूंगा, दो का गुणा इससे करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, दो का गुणा इससे करूंगा, दो का गुणा वन प्लस वाई के साथ, फिर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, माइनस वाई गुणा माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई, वाई प्लस इस जीरो का गुणा इससे करूंगा तो जीरो ही आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक बात, क्लियर है सर। अब देखो ये मॉड ऑफ ए, हाँ इसको सारणी के बोलते हैं, जीरो जीरो को हटाओ तो क्या बचा, एक्स दो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टू प्लस टू वाई माइनस वाई माइनस वाई, ध्यान से देखते जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स
ये 2, 2y में 1y गया तो क्या बचेगा, y, y बचेगा, तो ये आ गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, x को इसके साथ गुणा कर दो तो 2x plus xy मेरा हो गया आंसर, 2x plus xy मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग क्या क्या कर रहा हूँ आप लोगों को सब पता चला, इसमें से इसमें घटाया और ये सब आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया बोला मैं, आंसर आ गया। तो ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताया और 5 क्वेश्चन शेष है, तो उसको बच्चों हम लोग करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, बाय बाय।